प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान। आठवीं कक्षा का ये दूसरा अध्याय है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जो हमारी पुस्तक आठवीं कक्षा की, उसका ये दूसरा अध्याय है। इस अध्याय का नाम है भारतीय संविधान। और एक बहुत ही रोचक जानकारी है भारतीय संविधान की। बच्चों को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है क्या है। मुख्य रूप से अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये एक पुस्तक है। भारत का संविधान एक पुस्तक के रूप में है। ये भारत का जो संविधान है, इस पुस्तक में भारत के देश के लिए चलाने के लिए जितने भी कानून हैं वो सारे लिखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कानूनों का एक बड़ा पुस्तक है, कानूनों की एक बड़ी किताब है और एक पवित्र किताब है हमारे देश के लिए। इसको अगर हम खोल के भी देखें, इसके सारे के सारे जो पृष्ठ है, इस पे भारत देश के कानून लिखे गए हैं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक कानूनों का एक पुलिंदा है, लिखित में है। सारी की सारी बातें जो हमारे देश को चलाने के लिए आवश्यक होती है, वो सारे कानून नियम और जितनी भी आवश्यकताएं हैं भारत देश के शासन को चलाने के लिए, सारी की सारी बातें इसमें लिखी गई है। और इसी कानून के पुलिंदे को हम भारत का संविधान कहते हैं। तो मुख्य रूप से फिर भी अगर मोटे से शब्दों में हम कहेंगे कि भारत का जो संविधान है एक कानूनों का पुलिंदा है। और इस किताब के माध्यम से आप देख पाए, आपको कभी भी देखने का मौका मिले तो आप कोशिश करना, एक पुस्तक के रूप में ढूंढने का प्रयास करना कि भारत का संविधान अपनी आंखों से आप देख पाए। तो आज हम इसको, भारत के संविधान को पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत के संविधान की जो परिभाषा है आपको बता दी गई है। इसके बाद भारत के जो संविधान है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। हमारे मन में आना चाहिए कि हमें देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश में या सभी देशों में बहुत बड़ी संख्या रहती है, जनसंख्या रहती है, मनुष्य के रूप में लोग रहते हैं। और सभी मनुष्यों को आपस में एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्य के साथ आपस में, मतलब जो तालमेल है, आपस में जो संबंध है, किस तरीके से वो रहन सहन करेंगे, किस तरीके से आपस का संबंध करेंगे, और उनके लिए जो विशेष प्रकार के कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें सभी लोगों को एक नियमबद्ध तरीके से रहने के लिए एक रास्ता दिखाना है, एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करनी होती है। तो इसको हम, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। भारत में अगर हम देखते हैं कि भारत अनेकता में एकता है, हम पढ़ते हैं, हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा, सातवीं में, छठी क्लास में हमने पढ़ा कि यहाँ अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे देश की जो आबादी है 130 करोड़ लोगों की लगभग आबादी है, तो उसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो उन सभी समुदाय को हमारे देश में अच्छी प्रकार से उनका जो जीवन है अच्छी प्रकार से चले, सही तरीके से वो काम करते रहें, सभी को भोजन मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले, इस प्रकार के नियमों को बनाने के लिए सबकी आवश्यकताएं पूरी हो और सभी का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत देश के संविधान की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम अपने देश के नागरिकों को, देश के नागरिकों का कल्याण करने के लिए एक लिखित में नियम और कानून बने जिसको हम सभी लोग फॉलो करेंगे और उसको हम अपना कल्याण करेंगे। तो इसको, जो भारत का जो संविधान है, इसकी आवश्यकता इसलिए हमें पड़ी है कि हमें अपने देश का कल्याण करना है, देश के लोगों का कल्याण करना है, देश के नागरिकों का कल्याण करना है। तो विस्तार से अगर आप पुस्तक के सारे लेसन को पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है कि जैसे एक फुटबॉल की टीम है, फुटबॉल के खिलाड़ी है,
फुटबॉल को तो पांव से खेला जाता है, जब अगर कोई खिलाड़ी हाथ से फुटबॉल को मारेगा तो इसका मतलब वो नियम में नहीं है, वो नियम में नहीं है, वो आउट हो जाएगा। तो इसलिए वो नियम, जैसे फुटबॉल के खेल के, क्रिकेट के खेल के, हर एक खेलों के जो नियम बनाए जाते हैं, इसी तरीके से भारत के संविधान में लोगों के जीवन से संबंधित सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सभी प्रकार के जो क्रियाएं हैं, जो काम हैं, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो भारत का संविधान है, जिसमें कानूनों को लिखित रूप में लिखा गया है। और इसको बनाने में अगर हम देखें, इसको बनाने के लिए मतलब कितना समय हमें लगा, अगर हम डिटेल में पढ़ें इसके बारे में और विस्तार से आप जानकारी देखेंगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इसको बनाने में। और इसको बनाने के लिए पूरे देश के लोगों का एक संगठन था, संविधान सभा जिसको हम कहते हैं, तो उस संविधान सभा ने, और संविधान सभा में भी मुख्य रूप से जो इसको ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिन्होंने अपने हाथ से लिखा और अंतिम रूप दिया उसके, अगर हम देखें उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है, आपको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको हम भारत के संविधान का निर्माता भी कहते हैं, और जिन्होंने अंतिम रूप से संविधान को लिखा और देश के नाम किया। आपको पता है कि 26 जनवरी जो हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, उस दिन क्या होता है, उस दिन हमने भारत का संविधान लागू किया था। तो इसलिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया, और उस दिन के बाद से लेकर आज तक हमारे देश में भारत का संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सभी प्रकार के कार्य चल रहे हैं।